हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल वीजे और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं बहुत अहम टॉपिक। अक्सर लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि उनके पास पीडीएफ के अंदर डाटा होता है और उसे वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि उसमें इजीली एडिटिंग कर पाएँ, कोई डाटा उसमें से डिलीट कर पाएँ, कुछ उसमें ऐड कर पाएँ, तो उसके लिए उसको वर्ड की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने पीडीएफ की फाइल को वर्ड में किस तरह से कन्वर्ट करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मददगार हो सकता है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पीडीएफ फाइल के बारे में। तो पीडीएफ फाइल मैंने एक यहाँ पे बना के रखी हुई है और डेस्कटॉप पे मैंने इस फाइल को यहाँ पे रखा हुआ है और इसी फाइल को मैं डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास पीडीएफ फाइल है। तो इस फाइल के अंदर ना तो हम कुछ राइट कर सकते हैं, ना ही कुछ इसे डिलीट कर सकते हैं, यानी इसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस फाइल को वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ईजीली इस फाइल के अंदर हम कोई भी डाटा ऐड कर सकें और कोई भी डाटा यहाँ से रिमूव कर सकें। इस प्रोग्राम को यहाँ से हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो देखिए, आपके पास ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो चुका है, बल्कि आप पीडीएफ की फ़ाइल को इसको यहाँ से हम क्लोज़ ही कर देते हैं। और यहाँ पर देखें, आपने अपने अकाउंट से लॉग इन होना है, गूगल के अकाउंट से आपने लॉग इन होना है। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर आपके पास ये गूगल ऐप्स की ऑप्शन आएगी, या आप जीमेल टाइप करके आपने इसको लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे गूगल ऐप्स के यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आएगा, जैसे आप google.com लिखेंगे। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने ड्राइव पे क्लिक करना है, और जैसे हम यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो गूगल ड्राइव पे जाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है फाइल अपलोड की। तो हमने यहाँ फाइल अपलोड पे क्लिक करना है और उसके बाद उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में हमने यहाँ पे पीडीएफ की फ़ाइल को रखा हुआ है, या वो फाइल जो हमने जहाँ पीडीएफ को सेव किया हुआ है वहाँ तक हमने पहुँचना है। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया था पीडीएफ डाटा के नाम का। तो यहाँ पे हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ फाइल, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पे ये कन्वर्ट या आपके पास यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, और जैसे ये यहाँ पे टिक का निशान आ जाए तो इसका मतलब है ये अपलोड हो चुकी है। तो इसको हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपनी फाइल देखिए, ये हमारे पास फाइल पड़ी हुई है हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ वर्ड फाइल। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद ओपन विद पे आएंगे। ओपन विद पे आने के बाद आपने गूगल डॉक्स पे क्लिक करना है। याद रखिएगा कि आपने फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, ओपन विद पे आना है, गूगल डॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल डॉक्स के अंदर ये फाइल ओपन हो जाएगी। कुछ देर में वेट करना पड़ेगा, आपकी फाइल ये गूगल डॉक्स के अंदर अभी ओपन हो रही है। कुछ ही देर के बाद इस तरह से आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब गूगल डॉक्स के अंदर भी आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसको वर्ड के अंदर ही सेव करना है, वर्ड के अंदर ही ओपन करना है, तो इसके लिए गूगल डॉक्स पे ओपन करने के बाद आपने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमने डाउनलोड पे आना है, और यहाँ पे देखें, जैसे हम डाउनलोड पे कसर लेके आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्स का बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको ये लिंक मिल रहा है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस फाइल पे, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये फाइल आपके पीडीएफ की फाइल वर्ड के अंदर कन्वर्ट होके यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, आपके पास फाइल यहाँ पे वर्ड के अंदर ही, आपके पास वर्ड के अंदर ही आ चुकी है। आपने अनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप किसी भी तहरीक को डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और कुछ यहाँ पे राइट भी कर सकता हूँ। तो है ना ये कमाल की ऑप्शन कि आप किसी भी फाइल को, पीडीएफ फाइल को आप इस तरह से गूगल डॉक में ओपन करके आप उसे पीडीएफ टू वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ ज़रूर आपने सीखा होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।